देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कोवेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, उत्तराखंड में मलिन बस्तियों के अतिक्रमण को 2024 तक का नहीं हटाने के निर्णय को लेकर जहां कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पूर्व में उनकी हरीश रावत सरकार में मलिन बस्तियों के पुनर्वास को लेकर सरकार ने अहम निर्णय लिए गए थे, जिसमें मलिन बस्तियों को कैटेगराइज कर लिया गया था। उनका कहना है कि सरकार ने इस पर जीओ भी जारी किया था, जिसे भाजपा सरकार ने सत्ता में आने पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी थी। साथ ही उनका कहना है कि राज्य में जिस प्रकार से भाजपा ने 3 बार नेतृत्व परिवर्तन कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का कार्य किया है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अपरिपक्वता दिखा दी है। उनका कहना है कि सरकार को मलिन बस्तियों के समाधान के लिए अहम निर्णय लेने चाहिए थे, जिसमें उनके स्थायी आवास और उनके पुनर्वास को लेकर कार्य करना चाहिए था। आपको बताते चले कि हल्द्वानी में कांग्रेस के कैंप कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया ने भाजपा सरकार से मलिन बस्तियों को लेकर जवाब मांगा था। उनका आरोप है कि उनके द्वारा मांगे गए प्रश्नों को देखकर ही सरकार ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के निर्णय लिया है। पूरे मामले में प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया का कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ मलिन बस्तियों के स्थायी समाधान की जगह उनके अस्थायी समाधान करने का काम कर रही है। वही कांग्रेस के प्रचार समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुमित हृदेश ने भी सरकार को मलिन बस्ती के मामले में उन्हें समाधान की जगह गुमराह करने का आरोप लगाया है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से, संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। देखिए, 2016 में जब कांग्रेस की सरकार थी और माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व की सरकार थी, तो इन मलिन बस्तियों में नगर निकाय के अंतर्गत जो है स्थापित करने के लिए और एक डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकास के लिए एक 2016 में एक्ट लाया गया और उसके बाद तत्पश्चात एक नियमावली बनाई गई कि किस कैसे इसमें काम किया जाएगा। तो जिसके अंतर्गत जो मलिन बस्तियों में चिन्हीकरण होना चाहिए था और लोगों को, वहाँ के लोगों को पहचान पत्र दिए जाने चाहिए थे और उनको 3 श्रेणी में कैटेगराइज किया था। एक श्रेणी 1, जिसमें जो नियमित किए जा सकते हैं, दूसरी श्रेणी जिनमें जो है आंशिक रूप से नियमित किए जा सकते हैं, तीसरी जो नियमित नहीं किए जा सकते हैं लेकिन उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना। उसके बाद तुरंत सरकार भाजपा की आ गई, जिसको ये काम करना चाहिए था, तो सरकार जो है सोती रही और डबल इंजन की सरकार फील गुड फैक्टर में रही, इन्होंने कोई काम नहीं किया। तत्पश्चात 2018 में ये फिर एक एक्ट लाए जिसमें जो 2016 की नियमावली के अंतर्गत जो काम थे प्रावधान के तहत इनको काम करने थे, और जिसमें उस एक्ट में प्रावधान था कि 3 वर्ष यानी कि आप जिसका मियाद जो है 16 अक्टूबर 2021 को पूरी हो रही है, जो 2000 एक्ट आया था वो 2018 में आया था और जिसका समय पूरा हो रहा है 3 साल का, जो इन्होंने वादा किया था कि हम चिन्हीकरण करेंगे और उस चिन्हीकरण के बाद लोगों को पहचान पत्र जारी होंगे और पहचान पत्र जारी होने के बाद जो श्रेणी 1 में आते हैं उनको नियमित किया जाएगा, श्रेणी 2 में जो नियमित हो सकते हैं उनको नियमित किया जाएगा, बाकी लोगों को पुनर्वास करने का काम करना चाहिए था। तो अब 17 अक्टूबर 2021 को जिसकी मियाद पूरी हो रही है, हमारे द्वारा, मेरे स्वयं द्वारा सूचना के अधिकार में जैसे ही सूचना मांगी गई संबंधित विषय पर, तो सरकार एकदम से जागी कि भैया विपक्ष जो है इसको मुद्दा बनाएगा। उससे पहले उन्होंने आज ये कहा कि जो मलिन बस्ती के जो क्षेत्र हैं उनको 2024 तक के लिए नहीं तोड़ा जाएगा या इनको कुछ भी हानि नहीं की जाएगी, यानी कि जो डेवलपमेंट की ये बात करते रहे, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया और 3 साल पीछे ले गया और जो लोग हैं वो आज अधर में लटक गए, जिनका नियमितीकरण हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया और जिनको विस्थापित करना था या जिनका पुनर्वास करना था वो नहीं हो पाया। तो यानी कि सरकार सोती रही
और सामने इम्तहान देखकर घबरा गई है और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए लोगों को जनता गुमराह करने के लिए आज आनन फानन में साबित कर दिया नए मुख्यमंत्री ने कि वो अपरिपक्व है। अगर काबिल मुख्यमंत्री होते तो संज्ञान लेते इस बात का, ये काम क्यों नहीं हुआ, प्रशासन से पूछते, शासन से पूछते। 16 में जियो आया था, तब राजकुमार जी जो हमारे विधायक थे राजपुर के, उन्होंने बड़ी मेहनत करी इस पे और हरीश रावत जी, इंदिरा हृदय जी के सहयोग से ये एक जियो कांग्रेस की सरकार में निकला था, जिसमें 3 श्रेणियों में नियमितीकरण अथवा विस्थापन की बात करी गई थी। 4.5 साल ये सरकार सोई रही, गरीबों की तरफ नहीं देखा झांक के, और जो एक डर का साया उनके मकानों पे, उनके आशियानों पे लटका हुआ था, उस डर के साया को हटाने की जगह इन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि 4 साल तक हम कोई ध्वस्तीकरण नहीं करेंगे। तो इसलिए ये जनता को केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को सशक्त करने की जगह, गरीब आदमी जो है उसका जो आशियाना है उसका नियमितीकरण करने की जगह अथवा विस्थापन करने की जगह इन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि 3 साल तक आपके घर को हम तोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए बड़ी गलत बात है, डर के साए में गरीब जिए ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। सड़क से सदन तक कांग्रेस इसकी आवाज़ उठे। लगता है विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक और सरकार ने इस प्रकार का जनता को भ्रमित करने की स्थिति नहीं। देखिए, भ्रम तो उनका चाल चरित्र और चेहरे का पूरा हिस्सा है, भ्रमित ही करते हैं। नारेबाजी और स्लोगनबाजी के अलावा जमीन पे क्या कार्य हुए पिछले 4.5 साल में आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इसलिए जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी, जनता त्रस्त है और जो सरकार है वो मस्ती की चाल से चल रही है, तो इसलिए अब इसको रोका जाएगा। जी बिल्कुल, ये कांग्रेस ही जियो लाई थी। देखिए, कांग्रेस तो गरीबों की हमेशा से लड़ाई, गरीब मजदूरों की लड़ाई लड़ती है और आगे भी विश्वास दिलाते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसी हिसाब से नियमितीकरण अथवा विस्थापन सुनिश्चित करा जाएगा। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि 2016 में जब कांग्रेस ये नियमावली लेके आई और 2018 में आपने उसे एक्ट में परिणित भी कर दिया कि उसी अनुसार मलिन बस्तियों का नियमितीकरण किया जाएगा, पुनर्स्थापन किया जाएगा, वो 1, 2, 3 करके इन्होंने इसको कैटेगराइज भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एक एक्ट जो लागू हो जाता है उसे आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसे लागू नहीं करते, नियमित नहीं करते, विस्थापित नहीं करते, और अब जब आपका समय जाने को है तो अब आप कहते हैं कि अगले 3 साल तक आपको अतिक्रमण हटाया नहीं जाएगा। क्या मतलब है अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा? आप तो रेगुलराइज करने की बात कीजिए। एक्ट में जब ये हो गया कि भाई जितना भी मलिन बस्ती क्षेत्र है वो नियमित होगा, तो कैसे लग रहे हैं नए मुख्यमंत्री के जो ये तो सीधी सी बात ये है कि ये सीधे सीधे जिस तरीके से उन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदले, तो असफल मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री बदल देने से क्या वो सफल मुख्यमंत्री हो जाएंगे? तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि 4.5 साल में गवर्नमेंट फेलियर रहा है और उस फेलियर होने के बाद उसे छुपाने के लिए एक मुख्यमंत्री बदला गया है और वो मुख्यमंत्री 3 महीने, खुद ही वो 3 साल का समय मांग रहे हैं, तो वो 3 महीने में क्या कर जाएंगे? अब वो कह रहे हैं 3 साल तक आपको अतिक्रमण हटाया नहीं जाएगा। अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जाएगा? आपको तो रेगुलर किया जाना चाहिए, मलिन बस्ती में जब अधिनियम बन गया है तो।